नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं 28 अगस्त यानी कि सावन का अंतिम सोमवार के दिन किन राशियों के लिए यह अंतिम सोमवार बेहद खास होने वाला है। साथ ही साथ हमारी ऐसी कौन सी 6 राशियों की महिला है जिन्हें एक जोड़ी हरी चूड़ियां बांधने से करोड़ों में धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है सावन का 8वां सोमवार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कुछ सोमवारी हमारे खरमास में हो रहे थे, लेकिन वह सोमवार भी हमारे लिए बेहद खास था। वही दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ का पहला और अंतिम दिन बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से माना जाता है। अगर आप लोग पहला दिन सोमवार के दिन व्रत रखी थी तो आपको अंतिम सोमवार का व्रत भी जरूर करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन वह 6 राशियों की महिला है जिन्हें एक जोड़ी हरी चूड़ियाँ कहीं पे बांध देने से उन्हें करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों, पहला राशि है जिन महिलाओं को एक जोड़ा हरी चूड़ियां बांधना ही बांधना चाहिए, वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि की महिलाओं को, वैसे तो मैं इसके पहले भी 6 राशि की महिलाओं के लिए जिनके लिए यह सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही खास से वीडियो डाल चुकी हूँ, आशा उम्मीद करूँगी आप सब जरूर देखिएगा। कुंभ राशि की महिलाओं के लिए कल का यानी कि सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही खास देखा जा रहा है। करना आपको यह है कि एक जोड़ी हरी चूड़ी यानी कि एक जोड़ी मतलब दो उसमें होना चाहिए, 2 पीस का हरी चूड़ी एक जोड़ी आपको किसी भी मंदिर में जा करके रख देना है, शिव पार्वती के मंदिर में। अगर घर के आसपास शिव पार्वती का मंदिर है तो आप सभी लोग शिव पार्वती के मंदिर में एक जोड़ी हरी चूड़ी जा करके माता रानी के पास रख दीजिएगा। अगर माता रानी के पास कहीं पे भी टांगने का या उनके अंग में किसी भी तरह से आप घुसा के रख सकती हैं तो आप एक जोड़ी हरी चूड़ी माँ पार्वती को जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और धन की समस्या भी दूर होगी। वही दूसरा राशि है मीन राशि की महिला। मीन राशि की महिलाओं के लिए भी कल का दिन बहुत ही खास है। मीन राशि की महिलाओं को भी एक जोड़ी हरी चूड़ी किसी भी शिव मंदिर में जा करके रख देना है और माता रानी से जो भी आपका समस्या है वह बोलना है। इससे आपका समस्या तो दूर होगा ही होगा, आपको धन की लाभ भी होगी। वही दोस्तों, तीसरा राशि है तुला राशि। तुला राशि की महिलाओं के लिए भी कल का सोमवार बेहद खास होने वाला है। तुला राशि की महिलाओं को भी अगर वह लोग घर में कल पूजा करेंगे या मंदिर में करेंगे, आप अपने घर में एक जोड़ी हरी चूड़ी माता रानी को यानी माँ पार्वती को जरूर चढ़ाइएगा और पूजा पाठ हो जाने के बाद उस चूड़ी को एक एक दोनों हाथ में जरूर पहन लीजिएगा। ध्यान रहे कि चूड़ी नई होनी चाहिए। इससे आपकी जो भी समस्या है वह दूर होगा और धन का लाभ आपको निश्चय है कि प्राप्त जरूर होगा। चौथा राशि है जो कि बहुत ही खास होने वाला है, कन्या राशि। कन्या राशि की महिलाओं के लिए भी कल का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। करना आपको यह है कि 2 चूड़ी लेके यानी कि एक जोड़ी चूड़ी लेके उसमें थोड़ा सा मौली धागा बांध करके यह आपको अपने आसपास के मंदिर में जा करके टांग देना है। ऐसा भेंट चढ़ावा अगर आप माँ पार्वती को देती हैं, इससे आपकी समस्या भी दूर होगी और धन से अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कतें चल रही हैं तो वह दिक्कतें भी जरूर दूर होगी। 5वां राशि है मिथुन राशि।
मिथुन राशि की महिलाओं के लिए भी कल का दिन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर मिथुन राशि की महिलाओं को अपने मन की जो भी इच्छा है उसे पूरी करनी है और घर में धन की समस्या है उसे दूर करनी है, तो कल माता रानी को नए चूड़ी तो अब चढ़ाइएगा ही चढ़ाइएगा, साथ ही माता रानी को एक नया चुन्नी भी जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या है वह दूर होगी और साथ ही साथ आपको धन की भी विशेष लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। छठा और अंतिम राशि है जो कि बहुत ही शुभ राशि इन महिलाओं के लिए भी देखा जा रहा है, उनके लिए भी सावन बहुत शुभ होने वाला है, वह है सिंह राशि। सिंह राशि की महिलाओं के लिए भी कल का दिन बेहद खास होने वाला है। करना आपको यह है कि सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद अगर आप व्रत रख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिवलिंग पर जहाँ पे आप सातों सोमवार या जितना सोमवार मंदिर जाके पूजा की हैं उसी शिवलिंग पे आपको कल जल में थोड़ा सा दूध देके महादेव को चढ़ाना है और एक जोड़ा हरी चूड़ी माता रानी के पल्लू के पास या माता रानी के नीचे चरणों के पास आपको रख देना है। पूजा पाठ कर लेने के बाद अगर आप यह मंदिर में कर रही हैं या घर में आप दूध चढ़ाई है शिवलिंग पे सातों सोमवारी, तो आप इसे करने के बाद चूड़ी को जरूर उठाइएगा और दोनों हाथ में जरूर पहनिएगा। तो यह थी कुछ खास छह राशि की महिला जिनके लिए कल का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ देखा जा रहा है। वैसे तो माना जा रहा है कि कल सारे राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा सावन का अंतिम सोमवार, लेकिन ध्यान रहे किसी भी तरह से कोई भी आप सभी से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल अगर महादेव को किसी भी कारण से आप क्रोधित करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं भी हो सकती है। दोस्तों साथ ही साथ सोमवार का अंतिम सोमवारी यानी कि अगर आप रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखी हैं तो सोमवार का व्रत कैसे कर सकती हैं? क्या सोमवार के जैसे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत का फलहार का नियम क्या है, सोमवार के दिन आप फलहार कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्या सुबह उठ के कर सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ अपना राशि फल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आपका सावन का अंतिम सोमवार मैं आपको जरूर बताऊंगी। उम्मीद करूंगी आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।